हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। तीन चार कमेंट्स ऐसे पड़े हैं जहाँ पे लिखा है कि डॉक्टर साहब, लीवर 52 से अच्छा कोई सिरप आप बता दीजिए, तो उसी का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। देखिए दोस्तों, जनरली देखा जाए अगर मार्केट में कई सारे सिरप हैं लीवर से रिलेटेड, कि लीवर 52 है, ये होम्योपैथिक का ये सिरप है, ये आयुर्वेदिक का ये सिरप है, तो क्या होता है इतने सारे सिरप्स क्यों निकाले गए हैं? अगर किसी पेशेंट को एक ही सिरप से आराम मिल जाता कि आपको लीवर 52 से ही आराम मिलेगा, जितने भी 100 पेशेंट्स हैं सारे लीवर वाले, सबको लीवर 52 से आराम मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता है। किसी पेशेंट को लीवर 52 से आराम मिलता है, किसी पेशेंट को किसी दूसरे सिरप से ज़्यादा आराम मिलता है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। और दूसरा सिरप ऐसा होता है जो कि लीवर 52 से नीचे होता है, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं मार्केट में जो सिरप हैं लीवर से रिलेटेड हैं, तो आपने अगर लीवर 52 पिया है तो आप इसके अलावा आपको आराम कम मिला है तो आप और दूसरे अन्य सिरप आप पी के देख लीजिए जो कि आपकी कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। आप कोई भी आयुर्वेदिक सिरप ले सकते हैं, जो भी आपके परिचित आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा सिरप लेना चाहिए लीवर 52 के अलावा। तो आयुर्वेदिक में हम देखते हैं कॉमनली जो है एम्बिक्योर आप सिरप देखेंगे, एम्बिक्योर DS, ये काफ़ी अच्छा सिरप है जो कि लीवर 52 से आपको आराम नहीं मिलता, तो एम्बिक्योर आप DS ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम डोज आप ले लीजिए 10 ml दिन में 3 बार, आपकी कंडीशन इससे ठीक हो जाएगी। एक सिरप से पता लग जाएगा कि आपको इससे आराम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, पेट में जो भारीपन है वो कम है या फिर नहीं है, पहला। सेकंड, अगर आपको एलोपैथिक सिरप जानना है तो एलोपैथिक में आप ले आइए सोर्बिलाइन सिरप ले आइए, ये कॉमन सिरप है, आपको ऐसे नुकसान नहीं देगा। खास करके इस्तेमाल होता है वाले जो सिरप है फैटी लीवर की कंडीशन को ठीक करने के लिए होता है। फैटी लीवर मीन्स जहाँ पे आपके लीवर पे फैट एक्युमुलेशन हो गई, एक्स्ट्रा फैट एक्युमुलेशन हो गई है और आपका SGPT, SGOT, alkaline phosphate, सीरम बिलिरुबिन ये सारी चीज़ें बड़ी मिल रही हैं, तो सोर्बिलाइन आप ले सकते हैं। सोर्बिटोल और ट्रिकोलिन सिट्रेट इसके अंदर साल्ट आपको मिलेगा, जान लीजिए डोज इसकी। आप इसको लगभग 15 ml दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में जहाँ पे पेशेंट को कब्ज है आप इसको सुबह में खाली पेट भी ले सकते हैं। अगला, अगर आप होम्योपैथिक सिरप लेना चाहते हैं जी लीवर से रिलेटेड कोई अच्छा होम्योपैथिक सिरप, तो सबसे पहले मैं हर बार पेशेंट को ही बोलता हूँ सबसे अच्छे में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप लिव कॉल सिरप इस्तेमाल कीजिए। होम्योपैथी में लीवर के बहुत सारे सिरप हैं, बहुत सारे सिरप मैंने पेशेंट्स को चलाए हैं, तो किसी पेशेंट को किसी से आराम मिलता है, किसी को किसी से आराम मिलता है, तो लिव कॉल सबसे अच्छा सिरप है। मैंने ओवरऑल देखा अपने 10 साल की प्रैक्टिस में तो लिव कॉल सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देगा, सेकेंड में जोंडिल आपको देगा, थर्ड में आपको लिव टी रिजल्ट देगा। इसके अलावा और बहुत सारे सिरप हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे पहले आपको लिव कॉल इस्तेमाल करना है। तो कुल मिला के अगर आपने लीवर 52 DS पिया हुआ है उसे आराम नहीं मिल रहा है तो आपको एलोपैथी में सोर्बिलाइन इस्तेमाल करना है, होम्योपैथी में लिपकॉल इस्तेमाल करना है, आयुर्वेदिक में आपको एम्बिक्योर DS इस्तेमाल करना है। डोज मैंने आपको बता दी है, लिपकॉल की जो डोज है वही 10 ml दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिए, आपकी जो कंडीशन है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। परहेज आप जरूर रखिए, ठीक है, लीवर के मामले में आपका परहेज होना, आपका परहेज करना, आपका लाइफस्टाइल ठीक होना ये बहुत ज़रूरी होता है, बिना उसके आपकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। लीवर से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, क्या होम रेमेडीज़ हैं बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हुई हैं। आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो चला वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।